अच्छा ये जो इक्वेशन दिए हैं कोई बता सकता है ये किसका इक्वेशन है? एनीवन, ये इक्वेशन किसका है? नॉर्मल तरीके से बता सकती हो कौन से कर्व को ये रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कर्व को वो रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल, पाराबोला नहीं, सर्किल को करेगा, पाराबोला नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, सर्किल होगा। और सर्किल भी कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में सेंटर होगा, ठीक है। सर्किल कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में सेंटर होगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम लोग करें तो कैसा कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए एक्स और बराबर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेंटर क्या होगा? ए कोमा जीरो, और रेडियस भी मेरा क्या होगा? ए होगा। अगर गौर से देखोगे थोड़ा सा तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या फैमिली ऑफ सर्किल है? बहुत सारा सर्किल है। अगर बहुत सारा सर्किल है थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इनको, ड्रॉ करने में कुछ जाएगा नहीं, इधर हल्का सा ड्रॉ करते हैं। बहुत सारा सर्किल है जिसका वहां पे गौर करना सेंटर कितना है, सेंटर है ए कोमा जीरो और रेडियस भी ए है। इसका मतलब जो भी होगा तुम्हारा सर्किल जो होगा इस तरह से जाएगा। थोड़ा सा सिंबल सिंबल के लिए अगर देखे, एक हो गया ऐसे, एक हो जाएगा ऐसा, एक हो जाएगा एक हो जाएगा ऐसा, एक हो जाएगा ऐसा, एक हो जाएगा ऐसा, जो भी, ये बहुत सारा सर्किल है वहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर क्या है? ए कोमा जीरो और रेडियस भी ए है, यानी कि सेंटर का रेडियस, इसका मतलब जो भी होगा यहाँ पे सारा का सारा तुम्हारा ओरिजिन को टच करेगा। ये तो कंफर्म है कि ओरिजिन को टच करेगा, कि दिख रहा है यहाँ पे ओरिजिन को टच करेगा। जिस जो भी कोई भी कर्व जिसका सेंटर कितना है, ए कोमा जीरो और रेडियस भी ए है। अच्छा ये हो गया। इसका मुझे निकालना है थ्योरेटिकली क्या, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। गिवन है, डिफरेंशिएशन करो इसको, नाम दे देते हैं इसको कितना, यहीं से कर लो, इसको नाम दे देते हैं वन, डिफरेंशिएशन। जिसका हो जाएगा वो बताना, ठीक है, जिसका हो जाएगा वो बताना। चलो सब डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद जिसका हो जाएगा वो बताना कि तुम लोगों का क्या आया। डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू ए, हो गया एक्स का हो गया वन। पैरामीटर हटा नहीं, रह गया टू ए का वैल्यू उठा के वहां पे रख देते हैं तो पैरामीटर हट जाएगा फ्रॉम वन से। इधर करते हैं, फ्रॉम वन इंप्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू ए, टू ए का वैल्यू कितना हो गया टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इतना तो आ ही गया, साथ में एगो एक्स हो जाएगा, इतना हो गया, क्लियर है, टू एक्स प्लस टू वाई, ओके, और एक्स। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा थोड़ा सा इसको और करते हैं, टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, बराबर टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब स्टेप टू का बात होता है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, ये रिप्लेस कर दिए ना, वी हैव कितना आया रिप्लेस करने के बाद, इसको भी देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तो आया ही, एक सेकेंड, प्रॉपर दिख रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, मुझे लगा सर नहीं दिख रहा। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू एक्स वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब मेरा टारगेट है इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना है, करते हैं थोड़ा सा और इसको ठीक से लिखते हैं, टू एक्स वाई डी
एक्स बाई डी वाई, ठीक है। अगर इसको इक्वल कर दे तो काम बनेगा, अगर इक्वल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरा टारगेट इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो तो वेरिएबल सेपरेबल होगा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। थोड़ा सा अगर देखा जाए कितना हो जाता है यहां से, डी एक्स बाई डी वाई देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स वाई, इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल में तो नहीं जाएगा। होमोजीनियस तो है, होमोजीनियस है ना, तो होमोजीनियस यूज कर सकते हैं दोनों तरफ से, होमोजीनियस है तो पुट क्या करेंगे। अच्छा होमोजीनियस के अलावा और कुछ जाएगा, एग्जैक्ट वगैरह से होगा, एग्जैक्ट से, एग्जैक्ट अगर अप्लाई करना चाहोगे तो एग्जैक्ट से थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं, यही बात है। किससे होगा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा काय करने जाएंगे, होमोजीनियस से भी कर सकते हैं ठीक है, या एग्जैक्ट से। फाइनल आंसर बताना हमको क्या होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। जो भी हो कुछ तो इक्वेशन आएगा ना, कोई भी इक्वेशन आए, इक्वेशन तो आएगा ही, तो वो फाइनल आंसर अगर किसी का भी निकल जाए तो वो मुझे बताना, तब तक हम ऐसे चेक करते हैं। नहीं होगा ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बात आ गया इसमें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बात आ गया, उससे अच्छा होमोजेनियस कर दो। पुट किए x बराबर r cos थीटा, r cos थीटा वाला होमोजेनियस तो होगा, सोचे एग्जैक्ट से हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, चलो ठीक करते हैं, कोई बात नहीं। x बराबर कितना पुट कर देते हैं, x बराबर पुट करो या y बराबर पुट करो, सेम इंटीग्रेटिव तो करना है ना, x बराबर पुट कर देते हैं या इसको ऐसा कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। खाली ये चेक करते रहना कि कहीं गलती ना कर दो, ठीक है। अब करते हैं पुट y बराबर वी एक्स, यहां से निकाल लेते हैं तो डेरिवेटिव हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टू वी बाई वन माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ओके चलो सॉल्व कर देते हैं, तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करो। वन माइनस वी स्क्वायर ये हो गया, माइनस वी है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस वी और माइनस माइनस प्लस वी क्यूब हो जाएगा, तो ये वापस दे देगा हमको वन माइनस वी स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे वी प्लस वी क्यूब डी वी इक्वल टू वन बाय एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना आ गया। चलो अगले पेज पे इसको देख लो अच्छा से, यहाँ पे कितना वन माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस वी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वी उधर होगा तो माइनस वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर इंटू वी वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से नीचे से वी कॉमन ले लो, वन माइनस वी स्क्वायर बाई वन प्लस वी स्क्वायर, वन माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस वी क्यूब और उधर हो गया वन बाई एक्स डी एक्स। अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन माइनस वी स्क्वायर बाई यहाँ से अगर वी कॉमन लेते हैं तो वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और इसको कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, वन माइनस वी स्क्वायर हो गया और नीचे है वी प्लस वी क्यूब, यहाँ हो गया dv बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक। एक काम करते हैं ना, ऊपर में एक जोड़ देते हैं, माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले तो माइनस एक घटा देते हैं, अच्छा रहेगा, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर और प्लस 2 बाई ऐसा कर दिए वी प्लस वी क्यूब, नहीं ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस थ्री वी स्क्वायर, थ्री होना चाहिए तब जाके होगा, हम चाहते हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में बन जाए ताकि वो आसानी आसान लगेगा करने के लिए, ठीक है, वो आसान रहेगा थोड़ा सा अच्छा से। या एक काम कर सकते हैं डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है वैसा भी कर सकते हैं, इसका हो गया वन और इसका हो गया थ्री वी स्क्वायर, तो चलो सबको पहले अलग ही कर देते हैं, अलग ही कर देते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया वी स्क्वायर बाई वी प्लस वी क्यूब डी वी, इसको तो मान लो कि एल एन एक्स कर दिया, आगे जैसा कॉन्स्टेंट होगा वो कर लेंगे, वन बाई वी प्लस वी क्यूब इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे वी स्क्वायर एक जोड़ करके फिर एक घटाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर इसको इतना काहे करने जाएंगे और छोटा कर सकते हैं इसको,
ठीक है ठीक है। अब इसका हो गया वन, इसका करते हैं वहां पे 3v² + 1 - 4 बाई वी प्लस वी क्यूब डी वी इक्वल टू एल एन एक्स। यहाँ पे कितना हो गया 1 + 3v² / v + v³ dv हो गया, माइनस माइनस हो गया +4/3, 1/v कॉमन लिया 1 + v² dv इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, -1/3 ये हो गया एल एन वी प्लस वी क्यूब, इतना तो खत्म हो गया ये। और +4/3 इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ तो कितना आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ इसमें, डायरेक्ट भी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हम थोड़ा सा एक को इंटीग्रेट कर दिए, कुल मिला के इसमें पार्शियल फ्रैक्शन फिर मुझे लगाना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 1/v 1 + v³ डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकती हो, इन्हीं में लगा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर कितना मेरा ज्यादा एज कम्पेयर नोमिनेटर, तो नोमिनेटर ज्यादा है तो आराम से यहाँ पे इसको इस तरह फैक्टर में करो, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। हम एक स्टेप उधर कर दिए एक्स्ट्रा में, vx + c / 1 + v² कितना हो गया, कितना हो गया 1 = a 1 + vx² bx + c, सब फाइनल रिजल्ट करना है। ठीक है, हो सकता है तुम यही पार्शियल फ्रैक्शन लगा तो फाइनल रिजल्ट, मेन मोटिव है मेरा इंटीग्रेट निकालना, इंटीग्रेट हो गया काम हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अपने मन से लिया हुआ था, लग गया थोड़ा सा लंबा, हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन इजी फॉर्म में आता है, जो तुम्हारा एग्जाम में होगा ना वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, वैसा ही देता है, उसका मोटिव ये नहीं रहता है कि तुम कैलकुलेशन में फंसो, मोटिव ये रहता है कि चीजों को तुम समझते हो कि नहीं समझते, बस ये जानना है। ठीक है, वही बात है तुम्हारा, अभी तो इसमें इसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, टाइमिंग आराम से करते हैं इनमें, इसमें फटाफट करो इसको और सॉल्व करो। ठीक है, वी बराबर, एक बार तो हम पहले 0 दे देते हैं, तो ए का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया वी बराबर 0, ये 0 खत्म। अब वी बराबर दे देते हैं 1 1, तो 1 बराबर हो गया वी बराबर 1 2a + v = 1, अच्छा वी तो नहीं ना, एक्स नहीं जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया b1 दे दिया b+c, और a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब b+c बराबर हो गया -1, क्योंकि a 0 तो a = 1 हो गया, b = 1 2, तो 2 हो गया 1 - 2, ठीक है, b = -1 दे देते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 बराबर हो गया -1 + 1 2, 2 - 1 -c - b, इसका मतलब हो गया c - b बराबर हो जाता है 2 से 1। ठीक है, डैट मीन्स दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को अगर जोड़ देंगे खत्म हो गया 2c = 0, तो c = 0, अच्छा c बराबर अगर 0 हो जाता है c = 0, तो b = -1, दैट मीन्स b = -1, c = 0 तो b = -1। ओके, तो इंटीग्रेट a का वैल्यू हो गया 1, तो 1/v और हो गया माइनस b का वैल्यू हो गया -1, तो माइनस हो गया v, c का वैल्यू 0 हो गया 1 + v² ये हो गया dv इक्वल टू एल एन। अब इंटीग्रेट करना है, पूरे पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वी कैंसिल 1 + v² एक बार ट्राई करके देख लेते हैं सही के नहीं, -v², ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 + v² - v² ये कट गया तो हाँ सारे ये कट जाएगा तो हो गया 1। -1/3 एल एन, यहाँ से भी वी कर सकते हैं एल एन वी, और फिर कर सकते हैं -1/3 एल एन 1 + v², और यहाँ पे कर सकते हैं 4/3 एल एन वी, और फिर माइनस कर सकते हैं और 2/3, यहाँ से 2/3 कर दिए, यहाँ 2 चला गया 2 भी हो गया, और यहाँ पे हो गया एल एन 1 + v², और बराबर में हो जाएगा जाके तुम्हारा एल एन एक्स प्लस एल एन सी कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा बी का वैल्यू -1 और ठीक है, ओके 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 सब बनाओ, कैलकुलेशन करने में यही है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यहाँ पे हो गया 4/3 एल एन भी, और यहाँ पे 2 भी चला गया 2/3 एल एन 1 + v², 4/3 एल एन भी है -1/3 कितना हो गया 4c³, तो ये तो सिंपल एल एन भी हो गया, तो ये हो गया एल एन वी इस वाले को, और इस वाले को अगर हम लोग देख लिए तो ठीक है, यहाँ पे -2/3 -1/3 -3/3 1 हो गया, इसका मतलब -ln 1 + v². चलो बहुत अच्छा, 1 2 3 4 खत्म, और राइट साइड में है मेरा ln c x।
अच्छा, इसका मतलब एल एन कट जाएगा, तो वी बाई वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। वी कितना है मेरा, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स बाई वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। अच्छा, एक एक्स कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई बाई यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया, तो इसको उधर करते हैं, तो एक्स एक्स भी तो कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ से एक एक्स यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाई सी एक्स का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई सी। वाई बाई सी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई के वाई लिख सकते हैं, ऐसा आया। देखो ऐसा आया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में क्या हो सकता है कि कैलकुलेशन लगे, लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, इंटीग्रेट ही करना है, मेनली पर्पस है। क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। हम थोड़ा सा सोचिए कि इसका डेरिवेटिव बना देते हैं, चाहो तो तुम यहां से सीधे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इस तरह से कर सकते हो। ये एडिशनल मेरा थोड़ा सा काम हो गया, मतलब दो चार स्टेप हम ज्यादा कर दिए, कोई बात नहीं, जैसा एग्जाम में वर्क करे माइंड उसी तरह कर सकते हो। अभी तुरंत हमको ऐसा देखा, जबकि दिख रहा था हमको ऊपर दो पावर है और नीचे तीन है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का फंक्शन का डिग्री तीन है और विच इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नोमिनेटर, तो ऑब्वियसली वहां पे इंटीग्रेट क्या कर देंगे, बाय पार्ट्स सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। देखो गौर से देखो, हम ऐसे कुछ बोले ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के वाई, वन बाई सी के मान लिया, आर्बिटरी है, एक काम करो वन बाई सी को टू के मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, और वेयर वन बाई सी इक्वल टू टू के विजन आर्बिटरी। अब जैसे टू के किए तो इसका एक बेनिफिट मिल गया, क्या बेनिफिट मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, विच इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, विच इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसको हम लोग बोल सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, किसका, गिवन फैमिली ऑफ कर्व का, किसका, गिवन फैमिली ऑफ कर्व जो मुझे दिया हुआ था, और दिया हुआ क्या था, एक ऐसा फैमिली ऑफ सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, एक्स एक्सिस में हो, और रेडियस भी और सेंटर का डिस्टेंस मतलब वहां पे सेम था, यहाँ पे वैसा ही है इसका, और यहाँ पे तुमको क्या निकल के आया, ऐसा फैमिली ऑफ सर्किल, वापस सर्किल ही आया लेकिन इसका सेंटर वाई एक्सिस में है। गिवन फैमिली क्या था, एक्स एक्सिस में, और ये क्या आया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का सेंटर वाई एक्सिस में आया। इसका मतलब जब दोनों कट करेगा या मीट करेगा कितना होगा एंगल, पाई बाई टू होगा, गारंटी है पाई बाई टू होगा, ठीक है, गारंटी है। अब इसको अगर तुम लोग ज्योमेट्रिकली देखना है तो वो जो फिगर अभी जस्ट पीछे में बनाए थे इससे देख सकती हो, यहाँ पे एक ये बना दिए थे, अब इसी में सेंटर देके मुझे बनाना है ना, क्या देना, सेंटर देना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देते हैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है, और सर्किल पे अब ऐसा लेना है जिसका क्या हो, सेंटर मेरा एक्स एक्सिस हो, ऐसा लेना है, और भी ले सकते हो, बहुत सारा कर दिए, कौन सा क्या है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला मुझे दिया हुआ था जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ था, टू ए एक्स, ए वेरी करेंगे अलग अलग मिल जाएगा, और ये मेरा जो है निकल के आया जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू के वाई, बहुत सारा इसमें, सारा का सारा फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ सर्किल्स है, दोनों जहां कट करता है, दोनों कट कहाँ कर रहा है, कहता है कि दोनों बहुत जगह कट करता है, एक यहाँ पे कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, जहां भी इसका नाम अगर अल्फा दे तो ये कहेंगे हम लोग कि तुम कितना हो, पाई बाई टू, जितना जगह कट करे, चाहे जितना जगह, ये तो दो चार बनाए, हजारों को सर्किल उधर हो सकता है जिसका सेंटर वाई एक्सिस है, हजारों सर्किल, लाखों सर्किल इधर हो सकता है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस है, लेकिन जितने बार भी कट करेगा कोई भी एक कर्व दूसरे कर्व को कट करेगा वो हर जगह एंगल जो होगा वो सेम होगा, और सेम में कितना होगा, पाई बाई टू होगा, सेम में कितना होगा, पाई बाई टू होगा। ठीक है, क्लियर है, अब बताओ जिसको प्रॉब्लम हो रहा था समझ में आया, जिसको प्रॉब्लम हो रहा था समझ में आया, अब बताओ हाँ या ना, अगर समझ में आ गया तो हम ऑब्जर्वेशन में चलेंगे कि ये रिप्लेस वाला क्यों करते हैं, और इसी ऑब्जर्वेशन में हम लोग जस्ट इसके बाद पोलर कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी देखने वाले हैं। ये था कार्टेशियन में,
पोलर कर्व भी हम लोग देखने वाले हैं, उसका भी वर्किंग रूल देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया जितना सारा ज्वाइन है। कैसे किए, तीन स्टेप में रिप्लेस किए, उसके बाद लिए। देखो इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, अगर इंटीग्रेशन करने नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, वो बेसिक चीज है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सब थोड़ा सा आना चाहिए, और कुछ फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, हाँ कुछ इंटीग्रेशन लंबा जाएगा, तो अगर बहुत तेजी से करोगे तो वो हो जाएगा, प्रैक्टिस पे हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट तो वो तो लेगा, जेन्युइन बात है ना, वो तो लेगा ही। अब जैसे यही क्वेश्चन था, अगर हमको पता है कि करना क्या है तीनों स्टेप में, तो फिर आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग इसी में देखे, इंटीग्रेट करना आना चाहिए, सिंपल डेरिवेटिव किए, पैरामीटर को हटाए और रिप्लेस किए, रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेशन का ही बात चलता है। इंटीग्रेशन ही इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, चाहे ओडी हो या पीडी हो, विदाउट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ में तो इंटीग्रेट ही करेंगे, इंटीग्रेट करके ही तो सॉल्यूशन लाएंगे, है कि नहीं। वही चीज है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वो अब इसको हटा देते हैं, इसको कोई काम नहीं है, ये तो जस्ट समझाए थे, अगर तुम लोग बनाते तो ऐसा कुछ आता है ना, ये चीजें हम लोग निकाल के दिखाए। ठीक है, अगर यहाँ पे इससे आगे आए तो आगे उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन फाइनली आंसर ऐसा कुछ आ गया, हम खत्म। और की आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी है तो फैमिली ऑफ सर्किल है, बहुत सारा है।